ट्रेन हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो हम सेंट्रल इंडिया में हो, इतनी तेज धूप लग रही है। बस मुंशियर बस से एकदम टेम्परेचर बदल जाएगा। पानी है ये, एक बार तो है इस रूट पर जब भी आप आएंगे आपको पानी की कमी महसूस नहीं होगी, कहीं भी आपको बिस्लेरी का पानी नहीं खरीदना पड़ेगा। किसी भी अन्य मिनरल वाटर को नहीं खरीदना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल ग्लेशियर वाटर ही यहाँ पे आपको उपलब्ध है फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिरसी फॉल से लेकर जो मुंशियारी तक का रास्ता है वो बड़ा ही खतरनाक और डैमेज रास्ता है। ये देखिए कच्ची सड़क आ चुकी है जिसमें भी पत्थर इधर उधर से निकल रहे हैं और आपको इम्बेलेंस करते हैं। बाइकर्स चलाने में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी थोड़ी हरी भरी चढ़ान है, बीच बीच से ऐसे पैचेस बहुत आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ ऐसी रोड आ जाती है, फिर बीच में जहाँ लगभग होती है वहाँ पैचेस। इस प्रकार के रास्ते से आपको रूबरू होना पड़ेगा जब आप मुंशियारी आएंगे बट्टी फॉल से। सामने ये जो पतली सी सड़क दिख रही है इससे होकर गुजरना पड़ेगा हमें, बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरी सड़क है। सावधानी अति और दुर्घटना घटी वाला फील है। वो देखिए वो कार जा रही है, कितनी सी दिख रही है बल्कि दिख भी नहीं रही है। कभी बता देखो लद्दाख जैसी गोल 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 घूम के सड़क थी, गहरी खाई है ये, तो देखिए हम क्लाइम करते करते ऊपर तक आ गए। नेटवर्क भी आ रहे हैं यहाँ पे तो एयरटेल जियो दोनों। तो देखिए वहाँ से चलते हुए आए हम, यूँ 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 पूरा होते हुए यूँ ऊपर चढ़ते हुए ऐसे आके अब और ऊपर जा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था इतनी गहरी खाई ना तो लद्दाख में है ना मनांग में है ना मुस्टांग में, बहुत ज़्यादा गहराई है। एक बार आप नीचे को देखो, नीचे की ओर मतलब कितना ज़्यादा गहरा है कि बता नहीं सकता। रोड है, रोड अच्छी है, रोड बहुत शानदार है। ये रोड देखो आप छोटे छोटे से आ रहे हैं टुकड़े जो ख़राब है, बाकी रोड बहुत अच्छी है। मनांग और मुस्टांग में बहुत खराब है, लद्दाख में तो थोड़ी बहुत है, लद्दाख में तो बहुत अच्छी रोड है, वो सरचू पास में थोड़ी सी खराब, बाकी ये इतनी गहराई मैंने अभी तक नहीं देखी, सबसे ज़्यादा गहराई है ये। और हमारे सफ़र की सबसे पहली बर्फ हमें मिल चुकी है और यहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ जमा है, हल्की फुल्की जो नीचे से चमक रही थी। और ये देखिए इस रास्ते से हम आए तो ये बर्फ 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 चालू हो गई है। ये देखिए तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम ये बर्फ ही बर्फ पूरे पहाड़ पे,
और ये देखिए सामने मिलाम ग्लेशियर है, ये है बेतुली धार पॉइंट है। और मिलम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर वो जो सामने है वहां से बता रहे हैं कि बर्फ देखिए। ये देखिए कितना शानदार। अभी है थामरी कुंड जो कि 9186 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बर्फीली हवा जिसे कहते हैं। और हम जा रहे हैं नीचे थामरी कुंड देखने। पवित्र कुंड माना गया है, बताया जाता है इस झील का पानी कभी भी गंदा नहीं होता। अगर कुछ उसमें गिर भी जाता है तो यहाँ के पक्षी उस कचरे को उठाकर ले जाते हैं और कुंड को एकदम साफ कर देते हैं। बहुत सारी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं कुंड के बारे में। अब मिलते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं थामरी कुंड। ये देखिए सामने आपको दिख रहा है, अब हम नीचे जाकर आपको दिखाते हैं अभी पूरा नज़ारा कैसा है। ये कुंड बहुत ही साफ पानी दिख रहा है, यहाँ से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए कितना क्लीन। अनफॉर्गेटेबल मोमेंट्स। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है यहाँ पे, बर्फीली हवा चल रही है। वादी का घाट, ये वादी टॉप है वो, यही कहते हैं सब, यहाँ पे बर्फ पड़ती है हमेशा। वादी टॉप यहाँ से आगे की ओर जाएंगे 8 किलोमीटर पर वादी टॉप है, यहाँ 26 किलोमीटर बर्फी फॉल है और मुनस्यारी 8 किलोमीटर है। ये तो पैदल है 8 किलोमीटर गाड़ी आ रही तो साथियों हम मुनस्यारी में एंटर हो चुके हैं। ये हम नीचे टाउन में आ गए हैं, मतलब निचले हिस्से में। ऊपर जो होटल्स वगैरह इग्लू वगैरह दिखाए थे वहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म की होटल्स और वो सब कुछ है। और यहाँ पे ये नीचे का ढलान नीचे बचा हुआ है, वो देखिए वो ऊपर का ये ना आपको दिख रहा होगा, ये है नीचे का। यहाँ भी काफ़ी सारे होम स्टे और होटल्स हैं। हम लोगों ने इस होटल में स्टे करना है, होटल लीला माउंटेन। और सामने देखिए पूरा गांव यहाँ बसा हुआ है कस्बा, और पीछे पूरा नज़ारा। ये छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे होम स्टे हैं, होटल्स हैं, होम स्टे हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है, बस स्टेशन बोलते हैं, बनी हुई है बस स्टेशन है। यहाँ पर दुकानें हैं,
ट्रैकिंग ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत सामान जरूरत का मिल सकता है आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ से ज्वाल जी भी 66 मटकोट 22। तो हमने ऐसा प्लान किया है कि हम जाएंगे मटकोट, और बीच में बताया है कि नंदा देवी टेम्पल भी पड़ता है, वहाँ भी जाएंगे दर्शन के लिए। ये पूरा बुनचारी फंसा हुआ है, पीछे पूरा दिख रहा है, इसके आगे रास्ता शुरू हो जाता है, इसका दूसरा मकान नहीं है। यहाँ से रास्ता शुरू हो जाता है, रोड से जा रही है वो नीचे उन घरों तक जाने के लिए है, तो लगता है यहीं तक है बस, यहाँ से यू टर्न के। जब हम मुंशियारी मार्केट की तरफ एंटर होते हैं तो सबसे पहले ही पड़ता है होमस्टे होटल लीला माउंट व्यू, जिसमें हम लोगों ने स्टे किया है। और रात को क्या है, थोड़ा जब हम लोग पहुँचे तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए हमने आपको व्यू नहीं दिखा पाया था, और हमने कहा था ये वीडियो सुबह बनाएंगे जब हम यहाँ से निकलेंगे। तो अभी निकलने का तो कोई प्लान नहीं है, और अभी मैं मुंशियारी मार्केट जा रहा हूँ। और ये देखिए काफ़ी अच्छा होटल बना हुआ है, एकदम नया बना हुआ, सब चीज़ नहीं है। और ये हैं इस होटल के ओनर हिमांशु भाई। तो ये कैसे हैं? बढ़िया है। तो क्या क्या टेरिफ है रूम का? रूम के सीजन में तो ज़्यादा है, वैसे 1500 से स्टार्टिंग है। अच्छा। 2500 के, 3000, 4000 जी। हमारे पास दो होटल है, एक यहाँ पे नया वाला क्लेंटी है, आपने देख लिया, यहाँ से दो कदम आगे पे है। अच्छा, मेन बस स्टेशन। अच्छा। इसी नाम से होटल, होटल लीला के नाम से। अच्छा। उसमें रेस्टोरेंट भी है। उसमें रेस्टोरेंट भी है। तो आपका कोई कार्ड वगैरह? हाँ, कार्ड है। तो क्या हम अपने उसमें दिखा देंगे? ठीक है। तो जो भी आपसे संपर्क करना चाहेगा, आप ये देखिए, वैसे मैंने ये कार्ड दिखा दिया है, और मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इनका नंबर, तो जब भी आप आए यहाँ रुके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो कमरे हैं, बैक साइड के जो कमरे हैं दोनों, वहाँ से सीधा ये पहाड़ियाँ, ये पंचाचुली पहाड़ियाँ हैं, ये व्यू फेसिंग है। मैं दो दिन से क्या है कि उसको मिलाम ग्लेशियर बोल रहा था, लेकिन मुझे अब इन्होंने बताया कि वो पंचाचुली पहाड़ियाँ हैं। तो यहीं से नीचे से दिखाता हूँ मैं, कोई एक रूम खोल दीजिएगा नीचे का जिसमें से दिखता हो। तो ये देखिए, मतलब जो व्यू है, जो रूम से आपको आना चाहिए, इतना शानदार है कि आदमी को देख, आप सुबह सुबह उठे और आपको सामने ही बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां देखें, तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा। ये देखिए, ये रूम है, वेलकम में काफी अच्छा रूम है। और ये देखिए, ये बालकनी है, और ये बालकनी में सीधा पंचाचुली पीक्स दिखती है। मतलब अनफॉरगेटेबल मोमेंट एक्सपीरियंस है ये। यहाँ पे आप बैठे हुए हैं अपने रूम में, डिनर कर रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, और सामने आपको खिड़की में से पंचाचुली पीक्स दिखेंगे। बहुत ही शानदार नजारा। ये नीचे पूरा मुंशियारी का है, मार्केट है पूरा, मिलाम ग्लेशियर साइड। अच्छा, मिलाम ग्लेशियर इसके पीछे है। वो नंदा देवी ईस्ट कैंप है सामने, दिख रहा है कहाँ पे, वो बीच में हल्के से पहाड़ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो नंदा देवी ईस्ट कैंप। अच्छा, वो नंदा देवी ईस्ट कैंप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब भी मुंशियारी आए तो हिमांशु भाई से कांटेक्ट कर लें, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बढ़िया शानदार माहौल है, रिसेंट एकदम, और पीछे आप व्यू देख ही रहे हैं, तो इनसे कॉन्टेक्ट करिएगा। तो दोस्तों, आप मिलते हैं कल जब हम निकलेंगे अपने नए सफ़र पर मुंशियारी से धारचूला की ओर।